क्रोध के पल्ला, क्रोध तुम्हारे बुद्धि को धीरे धीरे खा रहा है, इससे दूरी सही है। मानिए या नहीं मानिए, लेकिन रिश्ते अक्सर गुस्से के कारण बर्बाद होते हैं। लोग आपका प्यार भूल जाएंगे, लेकिन आपका गुस्सा कभी नहीं भूलेंगे। आपका क्रोध आपको अपना से दूर ले जाता है। गुस्सा समस्याओं को खत्म नहीं करता है, बल्कि नई समस्याओं को जन्म देता है। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्रोध करने से एक समझदार इंसान भी बेवकूफ बन जाता है। क्रोध में मिला गया फैसला अधिकतर गलत सिद्ध होता है। बात अगर आत्म सम्मान की हो, तो गुस्सा पाले रखने में कोई बुराई नहीं है। क्रोध से ऐसे ऐसे घर तबाह हो जाते हैं, इसलिए क्रोध को कभी खुद पर व घर परिवार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। अगर आपका गुस्सा आपकी कमजोरी है, तो लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे। यदि आप सही हैं, तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं, तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। छोटी छोटी बातों पर आपा खोना कभी भी आसान नहीं होता है। खुद पर विजय पाना हो, तो अपने गुस्से को मौन रखना सीख लीजिए। जो कुछ भी क्रोध से शुरू होता है, वह शर्म पर समाप्त होता है। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जब क्रोध उठता है, तो परिणाम के बारे में सोचो। जो व्यक्ति एक पल के लिए क्रोध को रोक सकता है, वह एक पूरे दिन के दुख से बच सकता है। गुस्से की आदत बुद्धिमान लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देती है। किसी का प्यार जीतने के लिए आपको उनके गुस्से को भी जीतना होगा। गुस्सा करने की आदत व्यक्ति की वह कमजोर कड़ी होती है, जो अक्सर बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। जब कोई आपके सामने गुस्से में बात करे, तो उसे खामोशी के साथ गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। गुस्सा जितना अधिक होगा, परिस्थितियां उतनी ही ज्यादा अधिक खराब होगी। प्यार बिना सोचे समझे किया जा सकता है। गुस्सा बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। गुस्सा गर्व करने योग्य गुण नहीं है, इसे आज ही छोड़ दें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।